एसबी न्यूज इंडिया से और आज मैं हिसार में पहुंचा हूं सेक्टर 16-17 तनिष्क विला रेनू एस्ट्रोलॉजर जी से मिलने। रेनू मलिक जी ये अच्छी गृहिणी हैं, अच्छे टीचर हैं, अच्छे मेंटर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, एलएलबी मतलब वकील साहब भी हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम है। मैम कोई काम छोड़ना नहीं है क्या? पहले तो आपका स्वागत है जी। हाँ जी नमस्कार और गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं रेनू मलिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, जैसा इन्होंने नवजोत जी ने आपको बताया है। मेरा मेन प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर का है और टीचिंग का है, और बाकी जैसे मैं अपना मॉडलिंग भी मैंने की है वो एज ए शौक की तरह से की है, और अभी तो मैंने थोड़े मॉडलिंग को भी काफ़ी 2-3 साल से ब्रेक ही दे रखा है। और ये जो लॉ है जो मैं कर रही हूँ LLB, अभी मैं परस्यूइंग लॉ, तो ये भी मैं एक शौक की तरह से, क्योंकि मेरी थोड़ी स्टडी करने की मतलब हैबिट्स ही रही है कि एक अच्छी डिग्री भी है। मैम बहुत अच्छे कुक भी हैं, राइस बहुत अच्छे बनाते हैं बड़े खाए हैं हमने हाँ जी कुकिंग मैंने मेरे हस्बैंड से सीखी है आफ्टर मैरिज। हाँ जी। और मैम जैसे मैं आपकी बता रहा था एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ जी। तो मैम एस्ट्रोलॉजी में आप एक तो हाथ देखते हैं, एक कुंडलियां बनाते हैं, एक आजकल वो ताश के पत्ते क्या कहते हैं जिसको, टैरो कार्ड रीडर, आप कौन से ज्योतिषी हो? मेरा बेसिकली मैं वैदिक कुंडली के लिए, क्योंकि जो हमारी इंडियन में दो तरह की है, जेमिनी है, केपी सिस्टम्स भी है, जो हमारे नॉर्थ में चलता है वो वैदिक कुंडली मेरा मेन है, वैदिक कुंडली फोकस। पामिस्ट्री भी मैं करती हूँ लेकिन काफी कम, मेन मेरा कुंडली का हॉरोस्कोप्स का वर्क है। तो इसमें आप क्या क्या देखते हो और कैसे क्या टेक्निक क्या है, मतलब जो ये कुंडली का जो देखने का है, बाय डेट ऑफ बर्थ है मेन, डेट ऑफ बर्थ में जैसे अपने जो स्टार्स हैं, आपका टाइम है, तो कैसे आपके जो स्टार्स प्लैनेट हैं वो बैठ गए हैं, तो उस हिसाब से उनकी दशा और कि कौन सा भी आपका जो राशि है, काफी चीजें हो जाती है इसमें, तो उस हिसाब से देखा जाता है। मेन इसमें डेट ऑफ बर्थ और टाइम का रोल है। अभी आपने ये जो अपना नया विला बनाया है, बड़ा अच्छा इंटीरियर है और पूरा वास्तुशास्त्र के हिसाब से है। हाँ जी। तो कितने का कारीगर भगा दिए इसको बनाते बनाते हाँ जी, इसमें मैंने वास्तु का ही मेन रखा है, क्योंकि इसमें वास्तु से ना पॉजिटिविटी रहती है, जैसे वास्तु का है, जैसे हमारा आज वास्तु को हमने इसलिए पहले ऐड करते थे, हमारी एक IVC सभ्यता थी, पुरानी सभ्यता है हमारी इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, और जो ये हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं, तो वो सारी जो सभ्यता बनी थी वो वास्तु के लिए बनी थी, तो वास्तु पे बेस पे है, तो हमारी वैसे पॉजिटिव है, कहाँ से हवा पानी ये सारा एडजस्टमेंट होती है। कई बार हम बाथरूम ऐसी गलत जगह बना देते हैं जहाँ किचन होनी चाहिए, तो उससे हमारे ना पॉजिटिविटी है, सोने की डायरेक्शन कैसी है, बेड की कहाँ आनी चाहिए, साउथ में हेड आना चाहिए, क्योंकि ये सब डायरेक्शन से हमारे अंदर एक वो ना एनर्जी नेगेटिव में चली जाती है, तो वास्तु को मैंने मेन लिया। मैम 24 घंटे बिजी रहते हो। हाँ जी। सोशल लाइफ चाहे सोशल मीडिया। हाँ जी। कौन सी चक्की का आटा खाते हो? आटा तो सभी एक ही चक्की से आता है सभी का ही, यानी मेन है कि एनर्जी मेरे कुछ अगर कुंडली से जोड़े तो मेरे प्लैनेट स्ट्रांग है, जो वर्किंग के प्लैनेट्स है, और वैसे भी मेरी जो थॉट्स है कि काम करके ही जाना है दुनिया से, कुछ करके, क्यों खान के पी के, ये जो एक रूटीन है वो तो सभी करते हैं, तो काम करते करते ही जान चली जाए तो ज्यादा अच्छा है। मतलब जान तो भी आपकी नहीं जानी चाहिए अभी तो माशाल्लाह जवान हो। और मैम आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि मोस्टली जैसे देखा कि हाथ देख के बता देते हैं आपका ये है वो है, आपका टाइम चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चीजें होती हैं? देखो जो भी चीज है भगवान ने प्रकृति ने बनाई है, कुछ ना कुछ हर चीज का अपना रोल है। जैसे स्टार्स है, एग्जांपल्स लेते हैं कि कई बार कोई सेलिब्रिटी है, कोई बिजनेसमैन है, हाई चला जाता है, बर्थ हो जाता है हमारा बहुत रिच फैमिली में किसी का, कई एग्जांपल्स है, और कई हम जैसे साधु संत की लाइन में चले जाते हैं, तो उनमें स्टार्स का, शनि का, काफी प्लैनेट्स है, कई बार एक ड्रगिस्ट हो जाता है तो उसमें उसका रोल है, और बाकी एनवायरनमेंट का रोल तो होता ही है कि कहाँ हमारा एनवायरनमेंट, हम कैसे एनवायरनमेंट में पले बढ़े हैं। तो आपसे किसी ने अपनी कुंडली दिखानी हो या फ्यूचर पूछना हो या अपनी जो भी कुंडली दोष दाश, मुझको पता नहीं इतना क्योंकि जो भी होता है वो आप खुद ही बता देना जी, तो आपसे कहाँ संपर्क कर सकता है और क्या टाइमिंग रहता है और छुट्टी कब होती है आपकी? ठीक है, अभी जैसे मेरा पहले तो टाइम 4 से 7 बजे का था इवनिंग का, क्योंकि मैं जैसे कॉलेज का भी मेरा रहे और सुबह 9 से 12 था, तो अभी जैसे कोरोना का आपको पता है फियर फैक्टर तो चल ही रहा है, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दूंगी तो आप उसमें डिस्प्ले कर देना, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर पे पहले कॉन्टैक्ट करके आए,
तो मेरा जैसे ऑफिस है वो मैंने अभी शिफ्ट कर लिया, तो पहले कॉन्टैक्ट्स पे, और मेरा ऑनलाइन ज्यादा वर्क है क्योंकि मेरा अपना पेज है रेनू वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से, तो पहले कॉन्टैक्ट से आप मुझे ऑनलाइन सर्विस भी ले सकते हैं। और मैम जेब कितनी की ढीली करवाते हो? ये तो मेन है ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। नहीं नहीं, मेन मेरा जैसे पैसे तो देखो जीवन चलाने के लिए सबको चाहिए, उसके बिना तो हमारा ये जीवन का लेन देन व्यवहार वो चलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी मेरा जो कुंडली का है मेन, मेरी हर पे पेज पे लिखा होता है कर्मों का स्थान है कि आप कोई गलत काम करें उस पर आपका कोई बचाव नहीं, फिर तो आपका ऊपर वाला ही नहीं, जो आपके कर्म है वैसे ही चलेंगे, वही आपके प्लैनेट्स हैं। तो मेरी जो फीस है वो 1100 और 500 है अलग अलग। ये दो फीस किस तरह मतलब? 500 तो जैसे स्टूडेंट्स है जैसे कई बार नहीं इतनी पे कर पाते हैं तो उनके लिए बेसिक जो पे है, तो फिर कई स्टूडेंट्स हो जाते हैं जो अपने खुद ही पॉकेट मनी घर से लेते हैं जो भी यंगस्टर्स हैं, और 1100 मेरी बेसिक फीस है। मतलब ये पूछते होंगे यंगस्टर मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा है, मतलब फलानी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी होगी या ना होगी, या मोस्टली तो ये सवाल रहते होंगे। हाँ, ये सवाल यंगस्टर्स के, लेकिन आजकल जैसे कैरियर को इम्पोर्टेंस देते हैं कि मेरे जैसे एग्जाम्स की कंपटीशन की तैयारी है कि लग पाएगी नहीं लग पाएगी कितना टाइम लगेगा। हाँ, ये क्वेश्चंस भी थोड़े आप जो कह रहे हो रहते हैं। मैम इसमें एस्ट्रोलॉजी कैसे सहाय होती है, पढ़ेगा तो बच्चा? नहीं देखो, कर्म का मैंने पहले भी आपको बताया, कर्म का मेन है कि बस ये कि कोई काबिल है, अगर उसके स्टार्स को फेवर करते हैं कोई धक्का मिल जाता है, थोड़े से हल्की रेमेडीज भी काम करती है 10%। मेन आपका अपनी मेहनत और अपना हार्ड स्ट्रगल ही काम करेगा भाई, चाहे कुंडलियां दिखा लो चाहे कुछ करा लो। मैम ने देखो पहले बता दिया, बाकी तुम्हारे कर्म है, कर्म तुम्हारे क्या है, किताब खोल लो सुबह उठ के, रजाई छोड़ दो और पकड़ के बैठ जाओ, नहीं आता तो ट्यूशन रख लो। बाकी मैम एक तरह से आपको सहायता दे देंगे कि मेंटली सपोर्ट दे देंगे, उसके अलावा आगे तेरे भाग लक्षी है हमारे पंजाब में जैसे बोलते हैं जी। और मैम मोस्टली किस तरह के क्लाइंट आते हैं आपके पास, यंग या फिर बुजुर्ग लोग या फिर हमारे ये जो मीडियोकर होते हैं? मीडियोकर ज्यादा है क्योंकि वो ही मीडियोकर है, क्योंकि जो ओवर एज हो चुके हैं जो एज्ड हैं तो उनको तो कुछ देखने का ही नहीं है इतना, तो वो तो काफी कम है। मिड एज वाले ज्यादा आते हैं 30 से लेके 50 के, क्योंकि उन्हीं की लाइफ ही रिवोल्व करती है। हिसार वाले ज्यादा तंग तो नहीं करते फोन करके या बार बार मैम ये ऐसे है वैसे है? नहीं नहीं, मेरा तो वैसे भी काम करने का ही ज्यादा है, तो नहीं नहीं हिसार के मेरे तो काफी है क्लाइंट जी जी। तो मैम आज की डेट में जो कोरोना है इसमें भी कई पंडित जी ने भविष्यवाणियां की, ऐसे रहेगा वैसे रहेगा, ये वाकई चीज है? मतलब ये कुंडली, मतलब इसकी कुंडली बनाई है क्या की है? नहीं नहीं, कुंडली नहीं होती, ये तो प्लेनेट है। 2020 के जैसे एकदम चेंज है, अब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, कुछ तो हम हैबिचुअल भी हो चुके हैं अब इस चीज के लिए, कोरोना के लिए कि है देखो इसके साथ ही अभी रहना है। और दूसरा 2020 में देखो कुंडली नहीं बनती है ना, एकदम ट्रांजिट करते हैं जैसे हमारी भाषा में प्लैनेट्स हैं, अभी जुपिटर है तो कोई चीज़ बढ़ जाएगी, अभी मकर राशि में आया, कुछ चीज़ों को बहुत रिलीफ मिलेगा जैसे कैंसर वालों को इंक्रीज हो जाएगी, तो अपने अपने स्टार्स प्लेस करेंगे। सबसे सुखी कौन सा स्टार रहने वाला है जी आज का, आज की डेट में अगर देखा जाए तो आने वाले मतलब स्टार्स कैसे जैसे कौन से नाम वाले या जो भी होता है अभी, अच्छा, अभी कौन सा अच्छा रहेगा? अच्छा, तो अभी तो फिलहाल तो जो ढैया सारसती जिनको हम कहते हैं, तो सफर जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो तुला वाले और ये मिथुन वाले जो है वो अभी ढैये में चल रहे हैं, और सारसती जो 23 जनवरी से एकदम शनि एकदम अपनी प्लेसमेंट चेंज करेगा तो कुंभ राशि और मीन राशि वाले इफेक्ट में आएंगे। वृश्चिक वालों के क्या हाल है? वृश्चिक वाले अभी रिलीफ में है, आप वृश्चिक से लग रहे हैं? शुक्र है मैं रिलीफ में हूँ, वैसे मैं चीजों को मानता नहीं, खुद भी वृश्चिक में हूँ तभी राशि मिल रही जी। हाँ जी। स्कॉर्पियन वालों को अभी नहीं है दिक्कत, अभी दिक्कत आएगी कुंभ राशि, खुद ही बिच्छू है जी उनको किसी से क्या डर। हाँ जी। तो मैम एक चीज मैं आपसे पूछना था, परिवार का कैसा सपोर्ट रहता है? परिवार का जैसे जो फैमिली में मेरा मेन रोल सपोर्टर जो रहे हैं बेसिकली जो मेरी मदर हैं, उनसे हमें ज्यादा ये रहना सहना, देखो मदर का रोल तो पूरे ब्रह्मांड में ले जाए तो भगवान की बराबर का दर्जा दिया गया माँ को, तो माँ का मेरी लाइफ में काफी रोल रहा है क्योंकि उनसे हमें एक तो रहना सहना खाना पीना हर चीज जो उन्होंने सिखाई है, बोलने का व्यवहार, किसी से गलत नहीं करना, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने सीखा है वो मेरे के अंदर खुद से भी है, कुछ फैमिली से भी हमने सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ हमारी सोशल फैमिली रही है कि हमें ज्यादा कर्मों को और अच्छी आर्य समाज फैमिली से भी मैं बिलोंग करती हूँ। और थर्ड जो रहा है कि जैसे मेरे हस्बैंड्स हैं उनका ये सपोर्ट है कि उन्होंने मुझे अपनी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से एक स्पेस दिया है कि अपने स्थान के, ये भी बहुत जरूरी है शादी के बाद कि आपको स्पेस कौन देता है, क्योंकि शादी से पहले हम ब्रदर का रोल मानते हैं, ब्रदर मेरे छोटे हैं, और सेकंड फिर आती इनिंग्स कहती है हस्बैंड की, तो उन्होंने ओपन स्पेस जरूर दिया है एज ए सपोर्ट है कि उन्होंने एक फॉरवर्ड एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप ये काम करो। हाँ, उनकी अपनी थोड़ी सी गवर्नमेंट जॉब है तो अपनी लाइन में वो ज्यादा बिजी रहे हैं, बाकी मेरी खुद की मेहनत है।
सर गवर्नमेंट जॉब में हैं, अच्छी पोस्ट पे हैं, और पहले गुड़गांव थे, अभी मैं कल सरसा ट्रांसफर हो गई है उनकी, तो गुड़गांव के कितने क्लाइंट जुड़े हैं? गुड़गांव के एक्चुअली मैं बिजनेस ग्रुप में हूँ, गुड़गांव का एक बिजनेस ग्रुप चलता है वेडनेसडे, तो उसमें हूँ मैं, तो वो मैंने जो अपनी पहचान बनाई है एस्ट्रोलॉजी में या अपनी है, वो मेरी खुद का भी है। देखो खुद का रोल, आप किसी को पुश कितना कर लोगे, कोई पुश ही नहीं होना चाहता, तो आप एक बार कहोगे दो बार, लेकिन मैंने अपना खुद भी 100% दिया अपने, जैसे एज ए मैं डॉटर भी काफी अपना, पेरेंट्स के लिए भी अपना वर्क काफी करती हूँ, क्योंकि मैं इन छोटी बातों में कभी नहीं पड़ी, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करा छोटी बातों में इधर की उधर की, तो मैं अपने काम में ही लगी रहती हूँ। आपके मैम स्लोगन वगैरह भी हम लिखते रहते हैं, जल बचाओ, जानवर बचाओ, गौशाला में देखते हैं हम आपको, कोई भी नई चीज आती है आप उसको सबसे पहले सोशल मीडिया पे या खुद बैनर बना के अपने बच्चों के साथ, जैसे हमने देखा चाहे मॉल्स हो चाहे लोकल एरिया हो, तो ये सीख कहाँ से मिली आपको, जज्बा कहाँ से आता है? ये मेरा एक तो मेरा जो प्लैनेट्स है राहु सूर्य मंगल ही मेरे बड़े तेज हैं, वो इकट्ठे ही बैठे हैं फोर्थ हाउस में, तो वो मेन जज्बा तो जन्म से ही है या पिछले मैंने कोई अच्छे ऐसे कर्म किए। तो दूसरी चीजें मैं नोटिस करती थी, देखो छोटे जो लोग हैं जो मतलब काफी गरीबी में रहते हैं, तो उनको मैं नोटिस करती थी धीरे धीरे, और मेरी मदर है जो हेल्प करते थे हमेशा पुअर्स के, नीडी के, तो वहां धीरे धीरे वो चीजें ब्लड बाय ब्लड ही आनी स्टार्ट हो गई। और दूसरा फिर मेरे हस्बैंड है वो ज्यादा, जैसे मेरा तो फिर भी रहता सोशल है, वो गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो अननोइंगली हेल्प करते थे कि चलो हेल्प कर दिया ऐसे, तो उनको देखा। थर्ड मैंने खुद से जज्बा लिया कि उन कुछ ग्रुप्स में भी मैं रही, एनजीओस में भी रही, तो अच्छे लोगों का कॉन्टेक्ट भी रहा मेरे लाइफ में। आप रेनू मलिक जी, एक चीज बताइए, जाट फैमिली, हाँ जी, ऊपर से पंडित, हाँ जी, जाट ने तो शिव जी के भी हाथ बांध लिए थे, हाँ धन्य भगत ने, हाँ जी, हाँ जी, तो नहीं मैम नॉलेज तो चलो छोड़ो जी, हाँ जी, आप जितनी नॉलेज नहीं है मुझे, हाँ मैं ये चाह रहा था रेनू मलिक एस्ट्रोलॉजी में कहाँ से आ गई? हाँ ये भी एक किस्सा है, ये काफी पुराना है, 7-8 साल पहले की बातें हैं, शायद मेरा बच्चा छोटा था, तो अचानक सडनली मैंने भी कुंडली दिखाई थी एज ए क्लाइंट ही किसी को, तो वहां से एक शुरुआत हुई थी, क्योंकि मैं अंडर सारसती थी, और सारसती हमारे लाइफ में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाती है, आपको बहुत ही एक अच्छे पल भी दिखाएगी बुरे, लेकिन जो पल वो बुरे दिखाएगी उससे आपको एक लेसन मिलता है हमेशा। सारसती आप में भी आई है, मेरे अभी हमारी वृश्चिक राशि में तो गई है, बड़ा सिखा के गई है, तो हाँ मेरे तो अभी भी चल रही है, हाँ जी, हाँ अभी एक्चुअली ढैया भी आने वाला है ना, तो वो एक अच्छा है, सारसती आती है तो बहुत ही आपको सिखा के भी जाएगी। तो मैंने बाय चांस किसी को दिखाई थी, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी इनका, तो उन्होंने उधर से मैंने देखा था, उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी, तो मैंने उस टाइम रीड करना स्टार्ट करा, और मैं सभी जो एस्ट्रोलॉजर है पंडित जी उन सभी के पास गई थी, तो वहां से मैंने कहा था कि अगर ये चीज है तो बचा सकती है नहीं बचा सकती है, कर्म रोल, तो इस चीज की खोज में मान लो उस पता करने के लिए कुछ बाय ब्लड ऐसा नेचर हो गया नहीं, ये उसको जानना है, नॉलेज करनी है, तो उस चक्कर में मैं एस्ट्रोलॉजी में आई थी। शनि मेरा 8वें घर का है ना, वो लेके आ गया एकदम, मतलब लेडीज जिसके पीछे पड़ती हैं हाथ धो के पड़ती हैं, ये मिसाल कायम हो गई है, हाँ जी ये कुछ कह लो, लेकिन काफी है उन, लेकिन उनका मैं शुक्रिया आज भी अदा करना चाहूंगी कि उनके कारण मैं इस फील्ड में आई, उनसे वो मुझसे ऐसा क्वेश्चन नहीं करते तो मैं नहीं आती, जो चीज हो रही है वो अच्छे के लिए होती है, ये हमारी पहले भी कहावत है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो आपके गुरु मैं मान लूं तो सिर्फ किताबें रही हैं या किसी से आपने शिक्षा भी ली है? एस्ट्रोलॉजी में मेरे गुरु जी भी मैंने बीच में बनाए, बाकी मैंने खुद ज्यादा मेहनत करी, कुछ हमारे घर में भी काफी बुक्स थी, जो एक लाइब्रेरी थी मेरे फादर के पास, तो मैंने वहां से भी काफी बुक्स लेके, तो अंकल को भी शौक था, हाँ कुछ था, मेरे फादर साहब को भी काफी शौक है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में थे ना मेरे ख्याल से, नहीं वो पंचायती राज में, हाँ पंचायती वालों में, हाँ तो उनको पामिस्ट्री का था, तो वहां से भी थोड़ा बहुत मैं सीखती थी, उनकी तो अपना था, बट मैंने इसको प्रोफेशन बाय प्रोफेशन आगे। आपको मैं 1.5 साल बाद मिल रहा हूँ मैम, हाँ जी, हाँ जी। आपने वो वैसे ही मेंटेन कर रखा है, तो इसका भी राज बता दीजिए जी, मतलब एक्टिव रहने का, स्लिम रहने का। मैं 24 में से लगभग कोई 13-14 घंटे तो मैं काम ही करती हूँ, वो तो मुझे पता है जी, सारा दिन, और मेरे ख्याल से 5-6 घंटे तो मैं स्कूटी पे रहते, मेरा कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर, कभी व्हीकल पे कभी कौन से, तो राज मैंने अपने आप पे कम फोकस किया है, कुछ यही करो कि मेरा वीनस स्ट्रोंग है, तो आप एनर्जी अपने काम पर ध्यान दो, नेगेटिविटी में मत ध्यान दो, जब आप इधर से उधर बातों पे ज्यादा नोटिस करोगे कि कौन क्या कर रहा है, जब आप ध्यान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो जो बात, ये लेडी बोल रही है भाई, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने काम से रखना, कोई चुगली वुगली नहीं है, क्योंकि मैंने इन बातों पे ध्यान दिया होता तो इतने काम मैं कर ही नहीं पाती जी।
तो मैंने अपना फोकस यहाँ, किसी से गलत व्यवहार हुआ तो ज्यादा एक बात को बढ़ाया भी नहीं मैंने। गुस्सा कितना आता है? गुस्सा तो काफी है, जो बात आई तो उस टाइम तो जो जानते हैं उनको पता ही है। मैं भी जानता हूँ। और मैम अभी आपकी गुड़िया जो अच्छी ड्राइंग करती थी, आजकल वो बढ़िया पेंटर बनी है कि नहीं अभी तक? नहीं, उसका आर्ट का काफी शौक है। वैसे उसका टारगेट तो आईपीएस का, आप देखते हैं उनके आगे स्टार्स करते, तो उसके स्टार कहते हैं आईपीएस बन जाएगी। हाँ, जब ही उनको लगाया पुश पे। और कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतनी बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन जॉब पे आना, तो मेहनत के बिना तो नहीं आ सकते आप। आईपीएस कोई कहने की बात है, आसान खेल नहीं है। और दूसरा, हाँ, उसका एक अपना शौक होता है, जैसे मेरा अपनी फील्ड्स है घूमने का या शौक है, तो उसको अपना आर्ट का शौक है, तो बड़ी वो फोटो बनाती है सेलिब्रिटी वगैरह की। तो मैम मान लो हिसार वाले तो आपके साथ आके यहाँ घर में या आपके ऑफिस में अपनी कुंडली बुंडली दिखा सकते हैं, और कोई अदर स्टेट का है तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है? उसके लिए, उन्हीं के लिए जो अदर स्टेट से हैं या अदर कंट्री से हैं, तो उनके लिए एस्ट्रोवैदिक पेज है मेरा, और मेरे जो नंबर्स हैं तो उन पे आप व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ऑनलाइन या फोन कॉन्टैक्ट से, क्योंकि देखो दूर वाले नहीं आ सकते हैं, तो आजकल ऑनलाइन सर्विस का वो तो कोई है नहीं इतना इशू। उनके चार्जेस क्या है? उनके अलग है, आउट ऑफ सभी का 1100 है। हाँ, आउट ऑफ कंट्री वालों के वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है, तो उनके अलग चार्ज है। वैसे मेरा मेन उनके चार्जेस क्या? मेरे पेज के साथ मोस्टली एनआरआई जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आपने क्लाइंट भेजा भी था एनआरआई? हाँ जी, एनआरआई गुरप्रीत। हाँ जी, मैंने भेजा था। तो किया उसका कुछ कि नहीं? हाँ किया था, एक्चुअली ध्यान ही नहीं रहता, मुझे खुद का भी नहीं ध्यान रहता, क्योंकि काफी कुंडली मिक्स हो जाती है। देखा भाई, मेरे से बना के रखो तो मैं क्लाइंट भी भेजता हूँ। मैम को याद है। हाँ। और मैं उस टाइम हरिद्वार में था। हाँ जी, आपने भेजा था नंबर, उनसे बात भी हुई थी मेरी। हाँ जी, तो मैम एक चीज, घर को खुशहाल बनाने के लिए, जिंदगी खुशहाल बनाने के लिए आप एक मिसाल भी हैं, तो कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को भी दे दीजिए। हाँ जी, लाइफ में मेरा ये है कि आप अपने आप में क्लियर बने। एक जो हम गोलमाल खेल खेलते हैं, अंदर कुछ होते बाहर कुछ, तो उनसे भी नहीं क्लियर है। और छोटी बातों को घटाएं, मैंने आपसे भी काफी एक चीज सीखी है, बातों को ना घटाना चाहिए। हर इंसान आपको देता है, कई बार मेरा छोटा बेटा भी मुझे सीख दे जाता, आपका खुद का बच्चा भी आपको एक बड़ा लेसन दे जाएगा। तो आप ज्यादा दूरियों को मत बनाएं, दूसरा है कुछ गलतियों को माफ करना सीखें। हाँ, जिनसे ज्यादा है, कोई ज्यादा भी हमें नहीं हम माफ कर पाते हैं, तो उनको अवॉइड करें, उनको क्रॉस करके आगे बढ़ें, क्योंकि आज है आप 10 को छोड़ोगे तो 10 आपको और दुनिया आगे बहुत मिलती जाएंगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी, क्योंकि टाइम हमारे पास कितना है, 50, 60, 70, 20 साल है, कितना हमने होता है। तो उस हिसाब से आप अपने टाइम को देखो, क्योंकि हमें ऊपर भी जाके मुंह दिखाना है। ऊपर आप जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान फैमिली होती है, तो कभी खेती करने का मौका मिला? नहीं, मैंने तो शायद खेत देखे हैं। खेत देखे, लेकिन ये तो नहीं मूली बेल पे लगती है। नहीं, इतना इसलिए, एक्चुअली मैं साइंस स्टूडेंट हूँ बीएससी, इतनी नॉलेज तो है कि अंगूर बेल पे, तो भाई ब्लडी होगी तो। हाँ जी, हाँ, अंगूर लगते हैं बेल पे, ये चीजें तो पता है, लेकिन हाँ मैंने खेती नहीं की है, लेकिन हाँ देखा जरूर है अपने जैसे, हमारी एग्रीकल्चर खुद की लैंड भी है, तो कैसे ये करते हैं, देखो बहुत मेहनत लगती है, किसान एक बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, किसान और सैनिक का स्थान कोई नहीं ले सकता। किसान और सैनिक का वाकई मैम एक अन्नदाता है, एक जीवनदाता है, बॉर्डरों पे वो खड़े हैं, तभी हम यहाँ पे त्योहार मना रहे हैं। तो अभी वो जो किसान है रोड पे बैठा हुआ है, तो एज ए किसान की फैमिली होते हुए आप किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूंगी उनके लिए जितना हो सके अच्छा करें, उनके, मैंने पहले ही आपको कहा है कि उनका स्थान नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अन्न हमारा जब सबसे पहले की जरूरत है, अन्न पेट भरना, तो वो हमें वही देते हैं, तो जितना हो सके बस ये है, उनके लिए आप खुद सपोर्ट करो कितना है। देखो वो कभी किसी को भूखा नहीं बनने देगा, तो उनके लिए जितना भी सपोर्ट कोई भी कर सके, तो वो उनका अच्छे में सपोर्ट करे, और जो भगवान करे वो अच्छा सबके लिए करे, और किसानों को हम हमारे जितना सबसे बनता है उनके लिए सपोर्ट करे। देखो उन्होंने सपोर्ट कभी मांगा नहीं, एक बार ही मांगा है, तो वैसे वो खुद भी बहुत मेहनती हैं, तो ये करेंगे कि अच्छा उनके लिए। जी, बड़ा नापा तोला जवाब दिया है मैंने, और बिल्कुल ठोस जवाब दिया है कि वाकई अन्नदाता की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ बाप की जगह नहीं कोई ले सकता, सैनिक की जगह भी कोई नहीं ले सकता। माँ बाप आपको जीवन की पूरी चाल सिखाते हैं, पूरा जीना, जीवन का ब्यौरा दिखाते हैं, आप पढ़ते लिखते हो, आगे बढ़ते हो, किसानी भी माँ बाप ही सिखाते हैं। हाँ जी, ठीक है ना जी। और उसके बाद मैम एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, आपके बिजनेस के, बिजनेस ही कहूंगा इसको, या
मेरा प्रोफेशन प्रोफेशन क्या लेते हैं। ठीक है जी, आपका जो प्रोफेशन है ये एस्ट्रोलॉजी का मेन है। तो मैम एक आम इंसान जैसे कोई भी है, क्योंकि मोस्टली लोगों को कुछ भी नहीं पता आज की डेट में, कुछ बहकावे वाले प्रोग्राम भी आते हैं टीवी पे, कुछ दिखाते हैं, मतलब डरा के लूटा जा रहा है, ठीक है ना जी, मतलब एक डरा देते हैं भी, तू ये नग पहन ले वो पहन ले, और नगों का काम भी आप करते हैं क्या? मैं ये सेल परचेस स्टोन्स की नहीं करती, हमें सजेस्ट करती हूँ रेमेडीज में। ये देखो 20% जो रेमेडीज है हमारी, 20% हमें काम करती है। आपकी कौन सी दशा है तो आप उसको पहनो नहीं पहनो, वो आपका सारा हॉरोस्कोप देखा जाएगा। ये 20% है। देखो हम जब भी हम परेशान होते हैं, हम कब किसके पास जाते हैं, हम भगवान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान आप ही हमारा सहारा है। तो ये उसी तरह ही हमें मोरल सपोर्ट देते हैं। एक तरह से हमारा सारा खेल लाइफ में दिल और दिमाग का खेल है। आप अपने दिमाग को समझा लोगे तो आपसे आप पहाड़ों में अकेले भी बैठे सुकून मिलेगा आपको सारा ही। तो एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं आपसे पूछता हूँ, एक आदमी की दिनचर्या क्या रहनी चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन उसको रखने चाहिए और आपसे कब मिलना चाहिए जानने के लिए? अच्छा हाँ, एस्ट्रोलॉजी में तो मेरा जैसे आप फोन कॉन्टेक्ट पे अभी करके आए, वैसे पहले मेरा 4 से 7 टाइम था इवनिंग का, थोड़ा कोरोना की वजह से मैंने टाइम चेंज कर दिया। तो आप फोन करें जब आप मुझसे मिल सकते हैं। दूसरा दिनचर्या जो सभी की है वो अपने हिसाब से जिसकी टाइमिंग है, लेकिन आप वर्क करें, लेकिन आप मेंटल प्रेशर मत ले। मैंने अपनी लाइफ में प्रेशर से काम नहीं करा कोई काम। जब भी आप कोई भी चीज का काम करेंगे तो प्रेशर से तो कोई भी काम नहीं बन पाएगा। मैं अपने आप को फ्री छोड़कर अपना काम करती हूँ, जो है क्लियर हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओ बस। तो मैम चलते चलते आप एक अच्छा सा टिप्स दे दिए सारी राशियों के बारे में, सारी राशियां क्या कह रही हैं? राशियां अभी एकदम चेंज है आपकी है। दिसंबर मैंने आपको बताया था कि एकदम 19 नवंबर को जो जुपिटर एंटर करा है बृहस्पति ने मकर राशि के कारण, इससे काफी राशियों को रिलीफ मिला है। 2021 में अब चेंज जैसे एकदम प्लेस शनि चेंज करेगा तो वहां एकदम चेंज होगी। मेन इफेक्ट्स मैंने पहले बताया, पीसीस मीन एक्वेरियस कुंभ राशि एकदम अपनी सारस्वती के, कुंभ राशि तो चली सारस्वती में रही है और मीन में एकदम अफेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा आपके ऊपर मेंटल प्रेशर रहेगा, आप इरिटेट भी हो जाओगे, लेकिन आपको अपने आप में जैसे ध्यान साधना करो आप, मेडिटेशन करके अपने आप को फोकस वर्क में रखो तो आप में उसमें रिलीफ मिलेगा। थोड़ी सी घरेलू भी टेंशन रह सकती है मीन राशि वालों को, और जो मिथुन राशि वाले हैं उनका आपका थोड़ा उनको चोट का और गिरने पड़ने का डर रहेगा मिथुन को, और खासकर तुला लिब्रा राशि वाले थोड़े बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। और बाकी जो राशियां हैं मेष हो गई, वृष है, एरिस है जो, और कुछ और राशियां हैं तो उनको इतना इफेक्ट्स नहीं है। मेन ये 3-4 राशि इफेक्ट्स में। हाँ धनु लास्ट फेज पे चल रही सेजिटेरियस, तो उनके पॉजिटिव रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे 2021 में। देखा पूरा नहीं बताया मैम ने बिजनेसमैन है पक्के बिजनेसमैन नहीं वो तो देखो एक लाइफ में जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो आधा ज्ञान दे दो बाकी बंदा अपने आप आएगा है नहीं ऐसे नहीं है। तो मैम एड्रेस एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ जी, एड्रेस तो मेरा सेक्टर 16 में मेरा ऑफिस है, तो आप वहां पे कॉन्टेक्ट करें। मैं अपने फोन नंबर बता देती हूँ आपको, 7027955544। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। सेकंड नंबर मेरा एस्ट्रोलॉजी का है 7494884960। तो मैम ये फोन कब ऑन होता है और कब बंद होता है? फोन मेरे जैसे आप मेरे पे मैसेज छोड़ सकते हो तो मैं अपने आप आके देख लेती हूँ, क्योंकि मेरा बार की वर्किंग रहता है, तो आप मैसेज छोड़ दो, मैं कॉन्टेक्ट जरूर करती हूँ इसको जैसे सब देखे जी। तो मैम बेटी से भी मिलवा दीजिए, अच्छी ड्राइंग करती है वो, उसकी ड्राइंग एक बार दिखा दें। तो आपने कैसे मैनेज कर रखा है? एक बार आप आना। और मैम घर में कौन कौन है? घर में हमारी एक्चुअली सिंगल फैमिली है, तो मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी गुड़िया है 12 साल की और बेटा 8 साल का है, तो ये हमारी सिंगल फैमिली। वैसे मतलब आजकल सभी सिंगलर फैमिली हो गई है, वैसे मेरे सास ससुर सब हैं लेकिन वो हमारे साथ नहीं है अभी। तो वकील बनके मैम एस्ट्रोलॉजी छूट जाएगी या फिर केस चलेंगे? नहीं के वो एक अलग लाइन है, इन दोनों का मिक्स होगी तो अलग अलग हो जाएगी जी। हाँ जी, तो वो बिल्कुल अलग लाइन है, लॉयर की लाइन अलग है और एस्ट्रोलॉजी तो अलग है, दोनों बिल्कुल ही क्लैश करते हैं एक तरह से। तो वो तो यूं तो मेरी लाइन काफी अलग रही है, साइंस से मैं एकदम आर्ट्स में आ गई थी, तो मैंने ट्रिपल एम ए भी किया है, तो वो दोनों अलग है, तो देखते हैं क्या करेगा। कोई चीज छोड़ोगे वैसे आप? नहीं, मैंने पहले ही आपको कहा था कि काम को नहीं छोड़ा जाएगा मेरे से, लास्ट टाइम तक मैं चाहती हूँ कि काम करते करते मेरी लाइफ में निकल जाए वही अच्छा है। तो आपकी जो एक चैरिटेबल वाली लाइफ है वो कहाँ तक पहुंची है?
मैंने अपनी खुद की एनजीओ नहीं है मेरी, मैंने एनजीओ के साथ लीगली नहीं बट ऐसे वर्क किया हुआ है, काफी एनजीओ के साथ है जो संस्थाओं में मैंने अपना काम अपना योगदान दिया है, लेकिन मैं इंडिविजुअल अपना भी खुद करती हूँ अपने बच्चों के साथ, कि उनमें भी ये हम अभी से डालेंगे इंग्रेडिएंट्स कि क्या है, जब भी तो उन वो देखते हैं कि हाँ कि मदर ये कर रही है और फादर ये कर रहे हैं, तो ये दया भावना आनी भी जरूरी है लाइफ में। तो मैम कुछ गृहणियों को वास्तु शास्त्र के टिप्स भी दे दीजिए, जैसे एंट्री का और रसोई का। पहले आप जब भी गृहणियों के लिए है कि आप कोई भी वर्क करती है घर में, तो आपने अपना जो दायां पांव है वो आप एंटर करते वक्त दायां पांव को ज्यादा एक बार यूज करें, और कोई भी जैसे आप दरवाजा खोलते तो राइट हैंड को ज्यादा यूज करें, और घर के जैसे आप एनवायरमेंट काफी है सोते वक्त आप साउथ की डायरेक्शंस को यूज करें, साउथ की तरफ हेड साउथ में, तो नॉर्थ के साथ आपके फीट अप की आपका डिपेंड्स करेगा आपका बेडरूम की कौन सी डायरेक्शंस है, वैसे ईस्ट साइड फेस होना चाहिए घर का तो बेस्ट रहता है, साउथ में थोड़ा अवॉइड करते हैं, अगर मान लो किसी का मकान ही साउथ में फेसिंग है तो उसमें काफी और जो है रेमेडीज हो जाती हैं कि आप अपना जैसे पेड़ लगाएं आगे, तो काफी उन चीजों को देखना पड़ता है। तो मैम वास्तु के क्या चार्ज करते हो आप? वास्तु का मेरा है वर्क बट मेरा कुंडली की ज्यादा अपनी पहचान है, तो वास्तु की मेरी फीस अलग है, मेरी 2100 है, 2100 है। 21 में पूरा घर? नहीं पूरा घर नहीं होता पूरा घर नहीं कैलकुलेट होता, तो फिर तो लाइन लग जाएगी। नहीं नहीं 2100 का पूरा घर का नहीं होता, जैसे 2100 का एक नहीं है एक सजेशन, जैसे आप एक फीस मान लेते हैं स्टार्टिंग फीस, हाँ कंसल्टेशन फीस, हाँ जी वो है। और मैम एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, कभी किसी जाट भाई ने या रिश्तेदार ने बोला कौन से प्रोफेशन में पड़ गई है? हाँ ये तो होता ही है, क्योंकि जहां से आप जिस फैमिली में जन्म लेते हो, क्योंकि वैसी हमारी लैंग्वेज है, ये हमारी एक साधारण जो आपने बोली हमारी रूटीन लैंग्वेज है, तो हाँ ये बोला है, लेकिन वो आजकल इस चीज में हमारे लाइन वाले भी काफी आ गए हैं, फिर कहते हैं यार बता कोई प्रॉब्लम हो गई तो अभी ठीक कैसे होगी एक आपने पीछे 1.5-2 साल पहले एक मुहिम छेड़ी थी हरियाणवी जिसमें प्रमोट की थी आपने, तो वो कहाँ तक पहुंची? हरियाणवी को मैं काफी इंपॉर्टेंस दूंगी, देखो एक मैं हरियाणा से बिलोंग भी करती हूँ और एक हरियाणा के कल्चर से भी, तो इसलिए जितना हो हम यही कर सकते हैं, देखो कल्चर्स को हम पूरी तरह तो हम जुड़े रह सकते हैं अब आज के टाइम, क्योंकि हम मॉडर्न टाइम में अब आ गए हैं, तो उससे हम जुड़ाव रहे हैं, जैसे हम उस ड्रेसिज हमारे उसी टाइप से हम अपने फंक्शंस को सेलिब्रेट करें, उस टाइप से थोड़ा बच्चों को हम बताएं कि हमारा खाना पीना ऐसा है, तो ये कर सकते हो, कुछ आर्टिकल्स हम मैं देती हूँ कई बार न्यूज़पेपर में, थोड़ा सा राउंड लगवा देंगे आपने जो घर बनाया है? हाँ अभी तो थोड़ा सा एक बार मैं थोड़ा सा भी बिजी हूँ तो मैं बाद में है, कोई दिक्कत नहीं है मैम। मैं एक चीज आपसे और पूछना चाह रहा था, बच्ची नहीं आई अभी तक? हाँ वो शायद उसको मेरे ख्याल से रूम में है वो अपने, जी जी हाँ जी। तो मैम एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, कलर्स कितने आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, रंग जो चाहे वो कपड़े का हो चाहे वो घर का हो चाहे वो आपका ऑफिस का हो? कलर सभी का अपना अपना है, जैसे ब्राइट्स कलर है, कई बार आप मार्स में चल रहे हैं और ब्राइट्स कलर को आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपको नेगेटिविटी में भी लेके जाएंगे, वो आपको एकदम जैसे इंजरी होने के चांस हो जाएंगे, तो कलर्स का इफेक्ट है, जुपिटर्स का अपना येलो कलर है, वीनस का व्हाइट है, जैसे ये एग्जाम्पल्स हैं, तो उससे है, वैसे आप घर पे ज्यादा लाइट शेड यूज करें मैं ये कहूंगी घर पे हैं, और ड्रेसेस का है वो आपका इंटरव्यू में देने जा रहे हैं तो उस कलर से आपको एक पुश मिलता है कि वो आपका, लेकिन आपकी दशा जो देखनी पड़ेगी उसके हिसाब से। जी जी मतलब हर राशि का अलग होगा? हर राशि का भी अलग है और दशा का भी है, आपका कौन सा प्लेनेट चल रहा है, राशि तो 12 ही है, उसके बाद आपके वो और भी तो प्लेनेट रोल अदा करेंगे। एक मैम देखा है मैंने, ये जैसे लाइनें होती हैं, कोई कहता है शादियां 2 हैं, कोई कहता है बच्चे 4 पहले है। मैं भी हाँ जी ये आपसे मैंने एक बार पूछा, बच्चे थे ना जब सभी देखते थे ये 2 है, नहीं नहीं ये बिल्कुल ही अलग है, वो बच्चों वाली कहानियां है, ये राशियां बिल्कुल ही एक अलग है, जैसे हम लाइनें देखते हैं, नहीं नहीं वो डिपेंड्स करती हैं, शादियां ये 2 नहीं होती, कई बार रिश्ता होकर टूट जाता है कईयों का, बात होती है ये लव अफेयर्स की भी लाइन होती है, तो वो बच्चों की कहानी अलग है, पामिस्ट्री बिल्कुल ही एक अलग है नॉलेज। तो पामिस्ट्री है वो आप करते हो? पामिस्ट्री करती हूँ लेकिन कम है, क्योंकि पामिस्ट्री के क्लाइंट भी काफी कम होते हैं, क्योंकि मेन ज्यादा कुंडली मिलानी करते हैं कि मंगली ग्रह है या कौन सा है, तो मेन अपना कुंडली का ही चलता है। मैरिज भी हो रहेगा वो भी साथ ही शुरू कर लो जी मैरिज रिश्ते कराना एक बड़ा डिफिकल्ट है, मुझे एक बार आया था कहीं से जो कम्युनिटी से, तो पंजाबी कम्युनिटी से, उन्होंने कहा था कि आप, लेकिन मैं रिश्तों अभी थोड़ा सा मैं छोटी ज्यादा चाहिए, क्योंकि रिश्ते कराना बड़ा डिफिकल्ट है, बाद में बड़ी दिक्कत हो जाती है, नहीं सेट सजेशन दे सकती हूं। हरियाणा की छोरी और जाके पंजाब में, बस ये पठानकोट में मेरे ख्याल से
हाँ जी, नहीं बसते तो यही है, बेसिक्स है वहाँ से, लेकिन मेन तो हम ये हरियाणा के हैं काफी से। हाँ जी। तो मैम पंजाब जाने का मौका मिलता है? हाँ जाती हूँ पंजाब भी, मैंने काफी स्टेट से, वहाँ के क्लाइंट हैं कुछ पंजाब से भी हैं, मोस्टली राजस्थान से ज्यादा आते हैं, क्यों राजस्थान में एक तो स्टोन का वर्क ज्यादा है, मुझे स्टोन्स के लिए भी काफी लोगों ने कहा है, बट मैं स्टोन्स का सेल परचेस में नहीं बिलीव करती हूँ। हाँ मैं सजेस्ट कर देती हूँ आपको कहाँ से है, लेकिन आप जब भी स्टोन्स ले तो सर्टिफाइड ले, ऐसे नहीं, क्योंकि फिर वो रोल नहीं। मैम आपके हिसार में ना विकास छाबड़ा जी हैं, अगर आपने नाम सुना हो, उनके जो स्टोन है ना उसकी गारंटी तो मैं भी ले लेता हूँ, क्योंकि एक नाम होता है ना विकास छाबड़ा जी हैं, मैं उनका नंबर भी नीचे दे दूंगा, अगर आप उनसे कांटेक्ट करो मैं आपको नंबर दे के जाऊंगा उनका, मतलब जो रेट है मार्केट से उससे भी सस्ता मिलेगा, देन आपको गारंटी भी मिलेगी, और मतलब अगर मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ तो आप समझ सकते हो, तो अगर स्टोन आप उनसे ट्राई करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, ये नहीं कि वो मतलब मैं बोल रहा हूँ तो, क्योंकि ये काफी लोगों से मैं मिला हूँ, तो जैसे लोगों से पूछा भी है, क्योंकि अभी जैन वालों के पास भी गया था एक दो और, तो एक नाम होता है ना मार्केट में जो वो है, तो ये जो पत्थर होते हैं मैम, एक में से मैंने भी पहना हुआ है, तो आपने तो पता नहीं ये क्या क्या है, मेरा तो ये जर्कन ही है, ठीक है ना जी, तो ये करते हैं वर्क, ये वर्क करते जब भी मैंने थोड़ा डाला हुआ, लेकिन 20% मैंने कहा 20-30% रेमेडीज काम करती, ये कोई भी चीज नहीं है कि जादूगर, कोई नहीं है कि एकदम आप किसी की कायापलट नहीं कर सकते, धीरे धीरे हर चीज रोल है, कुछ स्टोन्स होते बड़े फास्ट है, जैसे प्योर डायमंड है बड़ा फास्ट करेगा, नीलम हो गया, नीलम भी बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, हर कोई नहीं, मैं नहीं पहन सकती नीलम, मुझे रिएक्ट उल्टा करेगा हेल्थ पे, अफेक्ट नेगेटिव में ले जाएगा, नीलम हो गया, जैसे ये बृहस्पति के लिए होता है सुनीला हो गया, सुनीला थोड़ा स्लो करेगा, और पुखराज है वो फास्ट है, वो हर कोई नहीं डाल सकता, कुछ स्लो है, जैसे आपने मूंगा डाला हुआ है तो मूंगा भी फास्ट है, जरकन मेरा जरकन बनता है, तो जरकन है वो स्लो, आप डाल भी सकते हैं रूटीन में, आपको ज्यादा रिएक्शंस नहीं देंगे, नहीं मिलते। हाँ कुछ टोन्स है बड़े फास्ट रिएक्ट करेंगे, कुछ है बस ये आपको एक पुश करेंगे अच्छी चीज के लिए, आपके दशा के हिसाब से आप डालोगे तो आप उसकी डायरेक्शन में आपको ना एक वो है, काफी रोल अदा भी करते हैं, और ये आपके डिपेंड्स करेगा, कईयों को तो कुछ टोन्स पहनने नहीं होते। तो मैम जो वर्किंग लेडीज हैं या वर्किंग मतलब मेंस हैं, वो अपने ऑफिस में जो उनका वर्किंग टेबल है तो उसको कैसे मैनेज करें, एक बार थोड़ा सा और बता दीजिए। जो हाउसवाइफ है वर्किंग है, वो एक तो मैं तो शुरू से ही थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को लेके चलती हूँ, तो आप मैनेज करो, मैं तो सुबह जैसे 5:30 हमेशा से मेरी हैबिट रही है, जब मदर की नई डाली हुई है कि 5:30 मैं उठ जाती हूँ, तो अपना टाइम को मैं एडजस्ट करती हूँ, अपनी वर्किंग इतना देना, तो अपने टाइम को एडजस्ट करो पहले, अपने बच्चों को भी देना है, अपने घर को भी देना है, अपने आप को भी थोड़ा बहुत दो, मैं थोड़ा कम दे पाती हूँ अपने आप को, कहीं कि अभी तो 40 के बाद थोड़ा सा सबकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो यूं नहीं कि आप अपनी हेल्थ ही गवा बैठो, इतना काम करो, आप मेंटल प्रेशर बिना लिए तो आप कोई भी काम करो तो आपका मैनेजमेंट आप घुमा गए सवाल को, मैंने ये पूछा था आपसे कि जो वर्किंग टेबल है उसको वास्तु के हिसाब से और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कैसे सेट करें ताकि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। वो आपको डायरेक्शंस के हिसाब से आपका ऑफिस का है, देखो डार्क कलर यूज मत करें कि उससे ज्यादा ना ऑफिस का चलना डिफिकल्ट हो जाए, डार्किंग एनवायरनमेंट मत यूज करें, ब्लैक है ब्राउन है, उस फर्नीचर्स को आप टेबल्स में थोड़ा अवॉइड करें, खासकर जो सनीम के अफेक्ट्स में है तो वो अवॉइड करें, और आपकी जो डायरेक्शंस है फ्रंट है, जैसे आप गणेश का जो फेस रखें, गणेश को हम जैसे स्टार्टिंग में हर चीज में गणेश आय नमः होता है, तो आप गणेश की जैसे डायरेक्शंस है, और वो बुद्धा भी लाफिंग बुद्धा आप जैसे रखते हैं, तो वो उसकी डायरेक्शंस आपकी जो वाल कहाँ आएगी बैक साइड की, तो वो सारा देखना पड़ेगा। मैम फेंग शुई भी एक मिखल आर्ट है ये, जिसमें आपने आपने बताया लाफिंग बुद्धा हो गया, एक टोर्टोइज वगैरह हो गया, ये वर्क करते हैं? ये काफी वर्क करते हैं, ये आपके एनर्जेटिक है, जैसे पैसे के लिए मेन तो आपको वर्क अपना काम ही करना पड़ेगा, लेकिन जैसे टर्टल है, टर्टल्स के ऊपर आपने देखा होगा कि कोई पानी के अंदर रखना है तो उसकी डायरेक्शंस कैसे रखनी है, उसका टेल कहाँ आनी चाहिए और माउथ कहाँ आना चाहिए, माउथ अंदर की तरफ होना चाहिए, कई बार ये सब चीजें भाई बारीक से बता देंगे मैम, बस वो 1100 रुपए वाली फीस लगेगी, और मैम एक बार एड्रेस द्वारा बता दीजिए ये सारी चीजें, आप फेंग शुई भी देखते हो, आप फार्मासिस्ट भी हो, आप कुंडलियां भी मिलाते हो, आप घर भी बनाते हो लोगों के, ठीक है जी, आप वकील की पढ़ाई कर रहे हो, मॉडलिंग आपने छोड़ दी करके, और अच्छी गृहिणी हो, और
स्टूडेंट तो हुई है, आप टीचर तो हुई, हाँ, तो पंडित जी भी बन गए, ठीक है जी, किसान फैमिली से आप बिलोंग करते हो। तो मैम ये जो आपका एड्रेस है एक बार मुझे दोबारा बता दीजिए। हाँ जी, मुझे कॉन्टेक्ट करने लिए मैंने पहले आप डिस्प्ले भी हो जाएंगे फोन नंबर 7027935544, व्हाट्सअप भी है और कॉलिंग नंबर सेकंड है कॉलिंग नंबर 7494884960। आजकल मैं बड़ा ट्रेंड चला हुआ है फेसबुक पेज बनाने का, यूट्यूब पे आके अपना चैनल बनाने का, उसके ऊपर आके सबको बताने का। ये जैसे आजकल मैं फेसबुक पे भी देखता हूँ, एक दो पंडित जी हैं जो आके बताते हैं अभी इतने घंटे मैं लाइव रहूंगा और आप मेरे से सवाल पूछिए, वो कुंडलियां मिलाते हैं उसमें सारा कुछ देखते हैं। इतना आसान है ये? नहीं, आसान नहीं है, लेकिन देखो उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा, आपका एक्सपीरियंस भी मेन इस रोल में है। जैसे मैं इस प्रोफेशन में 5 इयर्स से हूँ, 10 इयर्स से, 15 इयर्स है, देखो एक्सपीरियंस आपको बहुत निखार देता है चीज़ के लिए। तो उनका जैसे एक्सपीरियंस है तो वो तो एक तरीका होता है अपनी, जैसे गुण है, गुण कोई छोटा सा कोई बाजीगर है उसमें बहुत ज़्यादा कला होती है लेकिन उसकी डिस्प्ले नहीं हो पाती। तो अपनी कला को, आजकल तो जमाना ही आपको पता मार्केटिंग डिस्प्ले है, तो आप अपनी उस कला को डिस्प्ले करोगे जितना आप बताओगे तो उससे ही आपको पता चलेगा। कई बार आप में भी इतनी क्वालिटी है लेकिन आपको पता ही नहीं होता कई बार खुद में, तो डिस्प्लेइंग होती है एक तरह से मार्केट, तो वो तो बताना ही पड़ेगा। और एक्सपीरियंस से आपका बात करने का तरीका ही पता चल जाएगा, एक्सपीरियंस तो आपको वो प्रोफेशन से जो भी आपकी फील्ड होगी वो आपको बात करने का आपका वे ऑफ टॉकिंग बता देगा। एक पंचकुला में मैं जब स्टडी करता था, मैं स्टडी चंडीगढ़ में खालसा कॉलेज में की है, तो वहां पे ना पंचकुला में एक बार मैं पीजी लिया, तो पीजी और 9 सेक्टर में ना वो अंगूठे अंगाठे लगवाते थे, ठीक है जी, थंब से करते हैं वो, है क्या थंब से? देखो काफी है थंब से, मैं कम बिलीव करती हूँ, बस थंब से हमारा ये पता चल जाता है कि जैसे कई बार टाइमिंग्स का नहीं, कईयों को पता होता, पेरेंट्स नहीं होते कि टाइम नोट नहीं किया होता कुंडली के लिए, तो थंब से मैं, जैसे आपको मॉर्निंग में बर्थ है इवनिंग में, ये थंब से आपको पता चल जाता है। लेकिन पूरी लाइफ को थंब से करना, देखो वो तो मैम ताम्र पत्र को ही पढ़ते थे। हाँ, ताम्र पत्र भी होते हैं, जैसे काफी चीजें हैं, तो आप बिलीव करें इस चीज पे, लेकिन आपने पहले किसी भी चीज को आप मतलब अंधविश्वास ना करें, बिलीव करें हर चीज पे। देखो जो भी चीज है, स्टडी है, हर चीज है, उसकी सभ्यता हमारी हिस्ट्री पे हम बिलीव करते हैं क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स पे बिलीव करें आप। और एस्ट्रोलॉजी भी एक अच्छी कैलकुलेशन बेस पे बहुत अच्छी स्टडी है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन हम कई बार गलत चीजों में चले जाते हैं, तो वो कोई भी चीज है वो गलत में, अति में, वो नेगेटिव। मैं कहूँ अगर केमिस्ट्री के ऊपर ही है सारी आपकी जो जीवन कला है या कुछ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री ही है उसमें, ब्रह्मांड ही अब जो बताते हैं, तो मैम एक चीज और पूछूंगा, आजकल एक जो सबके, ये सबका साझा सवाल है जी, क्योंकि मेरे पास काफी कमेंट्स भी आए थे, मेल्स भी आई थी कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ मिलाओ, तो मुझे उनमें तो कोई और आया नहीं, आप ही आए, मैं जानते ही आपको तो नहीं, आप अच्छा काम भी कर रहे हो, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको जानता भी हूँ, जिनको आपने सेटिस्फाई किया है पूरा बिल्कुल। और एक चीज में, एक तो कुंडली आती है मैम कंप्यूटर पे बन रही है आजकल, एक खुद बना रहे हैं, कौन सी बढ़िया, मतलब दोनों जेन्युइन है या नहीं? दोनों है। देखो आजकल पहले जो होते थे वो देखते थे शोशाला, शोशाला भी वही होते हैं आपका, वो हाउसेज हैं ये 12 हाउस, जो भी हाउसेज हैं 12, तो वो कौन सा स्टार्स कहाँ बैठा, तो उसको देखने के लिए हम शोशाला यूज करते थे पहले वाले जो थे। आजकल देखो टाइम इतने पास होता नहीं कि उसको खोल के बैठोगे, तो ये आपके पास एप्स है सारे, आपके पास कुंडली तो आप डाउनलोड कर सकते हो, बस ये स्टार पढ़ना ही एस्ट्रोलॉजर का काम है, उसमें जो खाने हैं वो समझ के इसको आते हैं। वो तो फिर हमें आएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, हमने भी कुछ कमाना है तो वो खानों का ही खेल है, वो हमने पढ़ने होते हैं, बाकी तो आप निकाल के लाओ कोई, जैसे मैंने भी अपने फोन में डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर, तो मैं उनसे देख लेती हूँ, कई बार मेरे पास रेडीमेड भी ले आते हैं, कईयों की हाथ से बनी है, बात एक ही है हिंदी में होती है या इंग्लिश में, आपको तो पढ़ना है मेन, आपको मटेरियल आपके पास बुक्स है, मतलब इंग्लिश है कोई, इंग्लिश मीडियम का कोई, हिंदी मीडियम्स का कोई, बंगला का है कोई, हरियाणवी है, पर मेन तो आपको पता होना चाहिए है क्या चीज। जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं मैम, चाहे वो किसी भी फील्ड की इंजीनियरिंग है, उनके लिए 2021 कैसा रहने वाला है? इंजीनियरिंग वालों के लिए एक्चुअली वो तो फिर मैंने कहा ना राशि पे डिपेंड्स करेगा, उसकी इंजीनियरिंग के लिए तो राहु का बहुत बड़ा रोल है, तो अब कौन सा प्लैनेट उनका स्ट्रॉन्ग चल रहा है, राहु एक इंजीनियरिंग वालों के लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए। राहु स्ट्रॉन्ग करने के लिए टिप्स, राहु स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी टिप्स यही है कि आप थोड़ा सा नेवी ब्लू कलर को यूज करें, शिव आराधना करें और बाकी मुझसे कॉन्टेक्ट करें मंत्र तो बता दो शिव जी का, कई मंत्र है। हाँ नहीं, मंत्र तो काफी हैं, लेकिन देखो अभी आपको कुंडली की बात सुनी, बाकी मेरे से कांटेक्ट करें, मतलब
बिजनेस नहीं छोड़ना है। देखो बिजनेस तो अपनी जगह है अपना, तो मेन कहना है कुंडली भी डिपेंड्स करेगी। देखो उनका राहु कितने देर चल रहा है, और अभी एकदम रेमेडीज नहीं बताई जा सकती, उसके लिए 1100 खर्चना पड़ेगा। स्टूडेंट के लिए वैसे भी 500 रुपया है डिस्काउंट है भाई, 600 रुपए का। तो मैम एक बार आप मेरे से जुड़े यहाँ पे और आपने टाइम दिया, स्पेशली आप अपने ऑफिस में आज नहीं थे, कोई आपका सोशल वर्क चल रहा था वहां से भी आप आए, उसके लिए तो मैं सॉरी चाह रहा हूँ आपसे कि आपको मैंने बुलाया और आपने टाइम दिया और मैम के हाथ की चाय पीने का आज फिर से मौका मिला, उसके लिए भी धन्यवाद मैम। तो मैम आप एक बार जाते जाते एड्रेस और नंबर द्वारा बता दीजिए। हाँ जी, एड्रेस मेरा सेक्टर 16 है, बट कॉल बिफोर कम, आने से पहले एक बार कॉल जरूर करें, कई बार मेरा बाकी वर्किंग ज्यादा रहती है। तो नंबर आप बताया था 7027955544 एंड सेकंड नंबर इज 7494884960। भाई SB न्यूज से अगर बता दोगे ना भी हम वहां से देख के आए हैं मैम आपके पास, तो मैम फिर मैं सिफारिश कर लूंगा, थोड़ा डिस्काउंट दे दो मैम उनको। हाँ जी वो तो अपना है कि फीस कोई मेरी इतनी नहीं है कि हाँ ये जबरदस्ती है, वो आपकी अपनी ना भाई, मैं नहीं मान रही उतने लेने हैं। हाँ जी, नहीं नहीं ऐसे नहीं है। हाँ फीस जैसे वो तो अपनी रखी होती है, बाकी आपकी पॉकेट अलाउ करती है जिसका जैसा। हाँ जी, तो मैं आज 16-17 हिसार में आया था तनिष्क बिला मैम के यहाँ पे, जो रेनू मलिक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और आने वाले समय में आपको वकालत की सर्विसेज भी देंगे। और बहुत अच्छा लगा मैम को, मैं बट की काफ़ी पुराने टाइम से जानता हूँ तो फ़ोन पे भी बात होती रहती है, मुझे कुछ टिप्स लेने हो तो मैम से मैं पर्ची ले लेता हूँ। बाकी आप SB न्यूज़ से जुड़े रहिए ऐसी ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए, और ऐसे ही महान हस्तियों से, बुद्धिजीवियों से और जाट पंडितों से मिलाता रहूंगा मैं। SB न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फेसबुक पेज है newssachavakya.com newssachavakya न्यूज सच्चा वाक्य, और फेसबुक पे है सच्चा वाक्य न्यूज, इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको कोई गलत खबर नहीं दिखाते हैं, हमेशा लाइव लेके चलते हैं, कोई मसाला नहीं लगाते हैं, और डिस्काउंट तो दिलवाते ही नहीं है कि दिलवाते हैं डिस्काउंट भी दिलवाते हैं। और अभी बहुत जल्दी ही हम एक कॉन्टेस्ट लेके आ रहे हैं आपसे, आपके लिए, जिसमें आपको एप्पल फोन, हाय वो आधा सेव है ना, आधा सेव होता है ना, वो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस न्यू ईयर की वेट करो, और अच्छे अच्छे कॉन्टेस्ट आपके साथ लेके आ रहे हैं। और अगर आप उसमें ऐड देना चाहते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं किसी से, हम ये शौकिया करते हैं और हम एक सर्विस दे रहे हैं हम आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं 8289091834, मैं रिपीट कर रहा हूँ 8289091834। और इस जो हमारी ये इंटरव्यू थी या मैम के साथ हम मिले थे, इसको स्पॉन्सर किया था जी स्वास्तिक ट्रेवल ने, क्योंकि आपके हिसार की एक ही स्वास्तिक ट्रेवल है जो आपको लग्जरी गाड़ियां टैक्सी में देती है, चाहे वो ऑडी हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, वॉल्सवैगन हो, स्कॉडा हो, तो उसके लिए भी नीचे नंबर चल रहा है उसका, मैं नंबर चला दूंगा अभी, तो उसमें आप देख लेना, उसमें भी आपको हैवी डिस्काउंट दिलवा दूंगा मैं, इतनी तो चलती है भाई। तो अच्छी खबर सुनने के लिए, अच्छी खबर जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको जाते जाते और बता दूं, आप अगर विदेशों में जाना चाहते हो, ग्रह नहीं ठीक तो ग्रह रेनू मलिक जी ठीक कर देंगे, और आइलेट्स के ऊपर बहुत पैसा लगता है और 2 साल के लिए वैलिड है, इतना पैसा लगाते हो, अगर 2 साल में फाइल नहीं पूरी हुई तो दिक्कत है। तो उसके लिए आप एक नया YouTube चैनल है जिसमें आपको फ्री में आइलेट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, टॉफल की ट्रेनिंग दी जाती है, एस्पायरिंग करियर का नाम तो सुना होगा ना, करियर अध्ययन का नाम भी सुना होगा, तो पलक शाबड़ा जी मैम हैं, उससे आप, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे, नीचे उनका नंबर भी मैं चला दूंगा। और प्रो लाइफ ग्लोबल एक YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, वो ऑनलाइन क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री में देते हैं, बिल्कुल फ्री में स्टडी कराते हैं, चाहे वो इंग्लिश रीडिंग हो, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग हो, आपके कोई भी कॉन्टेस्ट भी उसमें आते हैं, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप उसमें पूछ सकते हो और आपको अच्छा सवाल जवाब मिल जाएगा। और आपका फाइल वर्क भी करते हैं, चाहे स्टूडेंट के बेस पे जाना है, चाहे आपको पीयर के लिए जाना है। तो ऐसी खबरें जानने के लिए
अगर आपका कोई सवाल है तो 8289091834, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 8289091834। और एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको कुछ भी पूछना है तो रेनु मलिक मैम से मिल सकते हैं आप। बहुत ही आज की डेट में जहां पंडित आपके हजारों लाखों रुपए खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और मैम की सिर्फ स्टूडेंट के लिए 500 फीस है और आम जनता के लिए 1100 रुपए फीस है, कोई ज्यादा महंगी नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली पंडित मैम ने आपको मिलवा दिया है और जट सौदा है भाई ठीक है ना। और प्रोफेशनली मैम ये बिल्कुल अपने दिल से कर रहे हैं और आपको अच्छी चीजें बताएंगे और आपका करियर भी बना देंगे, आपका परिवार में सुख शांति भी ला देंगे। तो अब के लिए मैं लेता हूं विदा आपसे, कैमरामैन विकास के साथ मैं एस्ट्रोलेजर रेनू मलिक जी के साथ बैठा था अभी। और ऐसी अच्छी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए न्यूज़ सच्चावाकिया.com। नमस्कार, मैं कैमरामैन विकास के साथ SB न्यूज़ से।